अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू यू माई यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव पेन। हम अपने चैनल में ऐसी वीडियोस अपलोड करेंगे जिनमें आपको हैंडराइटिंग के मुतालिक बहुत सी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। हमने सीखनी है एक डिज़ाइन, ऐसा डिज़ाइन और डिज़ाइनिंग राइटर। डिज़ाइनिंग राइटिंग में आपको सबसे पहले जो है अलिफ से हम शुरू करते हैं, ये तक ये अलिफ हो गया। मैंने अलिफ किस तरीके से डाला, सबसे पहले यूं कर लिया, किस्म का कोई डिजाइन नहीं है, इसके ऊपर से हमने ख्याल से यूं कर लेना है, एक डिजाइनदार इंग्लिश बन जाएगी। ओके, ये अलिफ हो गया। इसके बाद जब हम बे पे आते हैं, ये देखें जी, ये भी एक तरीके की बे है। और अगर हम दूसरा मेथड देखें तो ये एक ऐसी राइटिंग है जहां हम ज्यादातर कोई लाइन का ख्याल नहीं रखता, थोड़ा बहुत ऊपर हो जाती है, थोड़ी नीचे हो जाती है। हाँ, अगर हम ज्यादा आकर देखना चाहें, देखें अगर मैं लिखूं, अगर हम ज्यादा ही हैंड राइटिंग एक लाइन का ख्याल रखें तो भी हम बना सकते हैं। और नुक्ते हमने वैसे डालने जिस तरह हम सिंपल राइटिंग में डालते हैं, क्योंकि यही अच्छे लगते हैं। ये जिस तरह मैंने बे डाली, इसी तरह पे डाल दी, ये एक डिजाइनदार तरीका आपको बता दूं। इसके बाद अगर जिम की बात करें तो ये देखिए, ये एक मेथड हो गया जिम डालने का। इसके बाद ये देखिए, मैंने एक सीधी लाइन डाली, उसके बाद यूं करके यूं कर दिया। जिस तरह आपका दिल करे आप डाल सकते हैं जी, किसी भी तरह। अगर हम इसके अलावा चे डालते हैं तो वो देखें, ये मैंने डाल दिया, इस तरह भी मैं डाल सकता हूं। ये अब देखें, मैंने इसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया, इसको एक चकोर बना दिया, डिजाइन बन गया। ठीक है, अगर हम इसके अलावा कोई और तरीका देखें तो ये देखें, ऐसे कर दिया मैंने, फिर यहां से इधर से पीछे कर दिया, ये देख लें, कोई मुश्किल वे नहीं है। हम जिस तरह चाहें, हम जिस तरह चाहें इन्हें, जिस शेप में चाहें हम डाल सकते हैं, और जैसे चाहें हम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई मेथड है तो वो ये, ये सही हो गया। अली बे जीम, हम जिस तरह, अगर हम अलीफ का कोई दूसरा मेथड में देखें तो वो ये, हम इसको यूं कर सकते हैं, बस खत्म। बे का अगर मेथड देखें तो दोबारा अगर बे डालना चाहें, ये देखिए मैंने ते डाली, इसको आगे से घुमा के ऐसे कर दिया, एक डिजाइन बन गया। अब जिस तरह चाहे अल्फाजों को डाल सकते हैं, लेकिन ये खूबसूरती है, देखिए यहाँ खूबसूरती एक वाजह है, हम जिस तरह चाहे उन्हें वैसा कर सकते हैं। बाद अवकात हम कुछ भी लिखते हैं तो हमारा इस तरह बदला सा बन जाता है, अगर हम बे डालते हैं तो। ये देखिए, ये मैंने बहुत तरीके सिखाए हैं जिन्हें हम मार्कर से यूज कर सकते हैं, इन्हें हम ज्यादातर मार्कर में यूज करते हैं। ये सिंपल राइटिंग में ये बुरे लगते हैं, ये जिस तरह जीम, ये ऐसा लगता है ये गलत लिखा हुआ है।
ये मुझे अगर मैं जी मिस्त्री कैसे लिखना चाहूँ ये देखें, ये ऐसे लगेगा जैसे गलत लिखा हुआ। इसको हम मार्कर से ज्यादा यूज करते हैं इस्त्री मेथड को। ओके तो ये थे हमारे आज के मेथड जो हमने सीखे, उम्मीद है आप तमाम लोगों को समझ आ गई होगी। और जो मेन चीज़ है वो प्रैक्टिस है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप कामयाब होंगे। तो मेरे चैनल द क्रिएटिव पेन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे जरूर जरूर लाइक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर अगली नई वीडियो आप तक पहुंचे। ओके अल्लाह हाफिज़।